कोविड-19 के दौरान बस सेवा ठप होने और अनलॉक लागू होने के बाद 50% यात्रियों को बैठने की शर्त पर बस सेवा शुरू करने का सीधा असर जहां प्राइवेट बस मालिकों पर पड़ा है, तो वहीं अब बस मालिक माली हालातों से जूझने को मजबूर हैं। जिसके मद्देनजर बिलासपुर जिला प्राइवेट बस एसोसिएशन के तत्वावधान में नगर परिषद हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला में चल रही 304 निजी बसों के 160 बस मालिकों ने भाग लिया और कोविड-19 के चलते बस सेवाओं पर खासा असर होने के बावजूद सरकार द्वारा किसी भी तरह की कोई भी मदद ना करते हुए 100% टैक्स वसूली पर बस इंश्योरेंस में कोई रिबेट ना मिलने से खफा नजर आए। वहीं बस मालिकों का कहना है कि उनके आर्थिक हालात काफी बदतर हो चुके हैं और बसों में सवारियां कम होने के चलते इंश्योरेंस टैक्स पर अड्डा पर्ची देने की हालत में नहीं है, जिसके बारे में बस मालिकों ने कई बार प्रदेश सरकार को बताया, मगर आज दिन तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और टैक्स व इंश्योरेंस पॉलिसी में केवल 3 महीने की राहत देकर ऊंट के मुंह में जीरा डालने का काम किया है और उसके बाद आज तक कोई राहत नहीं दी गई है, जिसका बस मालिक विरोध करते हैं। साथ ही जिला के बस मालिकों ने प्रदेश सरकार की अगली कैबिनेट मीटिंग में बस मालिकों के हितों में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया तो उसके बाद बस मालिक एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी। कोरोना काल के पर हमारा बस खड़ी कर तो हमने उसे खड़े की और उससे बताने का किया उस सरकार ने अपना तो उन्हें हमें कसीन में की आज तक कोई भी बात नहीं मिली है सरकार की तरफ से, ना कोई इतना है मौके का देश बहुत से आए हैं उन लोगों ने हमारे पे पर आज इस किट जो इनकी कमी हो रही है उससे पहले आप आज हम इकट्ठे हुए क्योंकि हमारे हमको आशा है कि हमारे प्रदेश के अंदर अभी हमको हित कैब पैकेज दे, अगर नहीं देती है तो आने वाले समय अंग्रेजी बन जाएगी। पूरी उम्मीद है हिमाचल सरकार हमारे सुबेदकों को देगी टैक्स मिला देगी इंश्योरेंस मिला देगी दी हुई की कीमतें उन बैठ कर या कैब फिर ताकि हमारा जो बस का किराया है उनमें 10 रुपये किया है और लोग आया है उससे बढ़ाया क्योंकि हर रोज हर 10 बार डीजल का बढ़ा हमारे ऊपर वो पड़ रहा है टैक्स ना कर रहे हैं मजदूर मजदूरी में बढ़ा रहे हैं टैक्स दिया है। अब जो हमारे भाई है इस स्थिति में नहीं है, जो बेटा देश जो है कुछ खड़ी हुई है जो हमें राहत दे और हम लोगों की सेवा करें, जैसे चार्टीसी उनको जो है टैक्स जरूर आया गया उनमें धन्यवाद दिया, लेकिन अरे सेवा धो दिया गया सब वेटरों के साथ क्योंकि 20% है कार्ड बांट दिया गया कनेक्टर के द्वारा, पहले तो ऑफिसों में वहाँ तो कार्ड बांट जाते, इस बार जो है बसों में बांटे गए उसको कौड़ी जैसे हमारे उस बोले के कौड़ों में बांटी है चीज तो कौड़ी के बाद 30-35% के सिवाय उनको राहत दी गई कि हमारे एक तरफ से हमारे को जो है ट्रेन के बाद जो है फेल किया गया है क्योंकि हमारे बताया पूरा के बाद दिया गया 41 में सवारियां जाएगी 30-35% जो कम होगा तो हमारे छोटी सवारियां जाएगी ड्राइवर कनेक्ट जो बूढ़े में हमने करोड़ों रुपए का जो है लोन ले रहे हमारी जमीने जो गिरवी हो रखी है हमारे को जो है नोटिस आ रहे हैं हम कहां जाएंगे जब हमारे सस्ता में किया जाए अपडेटर भाइयों की जमीने जो है कुल होने उसमें आ गई है हमारी 3-4 गाड़ियां जो अपडेटर भाइयों की पकड़ी गई है वो हमारे जमीने में रहे बताओ हम कहां जाएंगे हम सरकार से अपने आरडीओ से यही अनुरोध करी सी सबके ऐसी जायदना की हमारे और बस अगर जो है तो कोई ना कोई राह दिया है।